घन श्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला। आज एक नए अप्रतिम दिन की शुरुआत हो गई। माधवी, ईश्वर के सृष्टि का कालचक्र भी कमाल है। नहीं पता नहीं कितने हजारों लाखों साल से सूर्य देवता टाइम टू टाइम धरती पर प्रकट होकर हमें जगाता है, काम कराता है, थकाता है, और फिर रात को चंद्रमा की मीठी चांदनी हमें शांति से सुलाती है। और फिर दूसरे दिन नई ऊर्जा के साथ सूर्य देवता हमें जगाते हैं। कैसा है ना माधवी, धरती पर नियमित टाइम टू टाइम अगर किसी की घड़ी चलती है ना, तो वह है ऊपर वाले की। हम इंसान तो सिर्फ टाइम पे चलने का नाटक ही करते हैं। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर आत्माराम भिड़े? आत्माराम तुकाराम भिड़े स्पीकिंग। गुड मॉर्निंग भिड़े जी। वेरी गुड मॉर्निंग। माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं विभा नागरेजा बात कर रही हूँ। मुझे मासूमा टीचर जी ने आपका नंबर दिया है। ओ अच्छा अच्छा, मासूमा टीचर ने, मतलब ट्यूशन के सिलसिले में? जी हाँ, एक्चुअली मेरा बच्चा उनके यहाँ ट्यूशन के लिए जाता था, पर अब उन्होंने ट्यूशन लेना बंद कर दिया है। हाँ, मासूमा टीचर के काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास अभी ट्यूशन के लिए आते हैं। मुझे भी ट्यूशन के लिए आपसे बात करनी थी, क्या मैं अभी आपसे मिलने आ सकती हूँ? हाँ, मैं घर पे ही हूँ। आपके पास मेरा एड्रेस है? जी। ओके, थैंक यू भिड़े जी। थैंक यू। ओहो, चलो ट्यूशन के लिए एक स्टूडेंट और बढ़ गया। मासूमा टीचर ने काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास भेज दिए ट्यूशन के लिए, उनको फोन करके थैंक्स बोलना चाहिए मुझे। ओहो, और सोसाइटी के मेंटेनेंस के कलेक्शन का लास्ट डे है। जिन जिन के चेक्स आए उनकी एंट्री तो करनी पड़ेगी। पेरेंट आने से पहले ये काम निपटा देता हूँ। एक कुटी गेलो, अरे अभी तो यहाँ था। माधवी, ए माधवी, माधवी, अरे मैंने यहाँ पे पेन रखी थी, कहाँ चली गई? घर गई अपने, जाते वक्त बाय भी बोल के गई मुझे। ये कहा है? पैर थोड़ी है उसको जो चल के जाएगी। कुछ भी, आप भी यही होगी। दादा विनोद, मुझे यहाँ पे पेन मिल नहीं रही थी इसलिए मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया। कहाँ दिखाओ, कहाँ है पेन? दिख रही है पेन? देखो कहीं भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पेन है ही नहीं। पेन कहाँ थी? यही थी। जरा इधर उधर हिलना नहीं आपको, सब चीज हाथ में बैठे बैठे चाहिए क्या? आता कौन आ रहा है? ये भी आपको बैठे बैठे ही जानना है? अरे अभी थोड़ी देर पहले पेरेंट का फोन आया था, ट्यूशन के सिलसिले में मिलने आने वाले थे। वही होंगे, जाओ जाओ, देखो देखो वही होंगे, जाओ जाओ। क्या ये तो साफ शिक्षक का घर लगना चाहिए ना। कैसे रखा है सब पहले के? हो गया नहीं? एक मिनट, एक मिनट, अभी खोलो। मिस्टर आत्माराम भिड़े, आहो आपसे मिलने को ही आया है। आइए 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 ना, आइए अंदर आइए, अंदर आइए, आइए आइए, बैठे बैठे, आइए आइए आइए, बैठे तो सही पहले, बैठे ना, बैठे बैठे बैठे, आइए। थैंक यू। ये मेरी पत्नी है माधवी आत्माराम भिड़े, बिजनेस वुमन है, अचार पापड़ का बिजनेस करती है, बहुत अच्छा अचार पापड़ बनाती है। वेरी नाइस, थैंक यू। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? नहीं नहीं वेनी, मुझे लेट हो रहा है, बहुत काम है अभी मुझे। अरे काम तो होते रहेंगे, बैठिए मैं पानी लेकर आती हूँ, बैठिए बैठिए। अच्छा आपको घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, एड्रेस तो था मेरे पास, और नीचे विंग के एंट्रेंस के पास जो बोर्ड है उसमें भी आपका नाम लिखा था, तो आसानी से मिल गया। अच्छा वैसे आपका बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है? जी, फिफ्थ स्टैंडर्ड में। अरे वाह, अच्छा अच्छा। देखिए बहन जी, अभी आपको आपके बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसका भविष्य अब मेरे हाथ में। जी मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूँ, क्या है मेरे पास जो भी बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं ना, सभी अबाउ 80 स्कोर करते हैं। इन शॉर्ट, इन फ्यूचर उनका करियर बहुत ब्राइट होता है। देखिए यहाँ मैं अपने बच्चे के करियर के लिए नहीं, आपके कुरियर के लिए आई हूँ। कुरियर? जी। मतलब आप विभा नागरेचा नहीं? कौन विभा नागरेचा?
अरे वही जो मासूमा टीचर ने। कौन मासूमा टीचर? अहो वो बोल रहे ना कि वो कुरियर वाले हैं, उनको क्या पता कौन विभा वगैरह। सॉरी रिया, वो हेलो विभा जी, आप यहाँ पे आने वाली थी ना आज? ओ अच्छा, कल आने वाली। आपके चक्कर में गड़बड़ हो गई। मैंने क्या गड़बड़ की? नहीं नहीं, आपको नहीं बोला मैंने, मैं इनको नहीं, आपको भी नहीं, आप कल आने वाली है ना? ओके थैंक यू, थैंक यू, सॉरी हाँ, एक्चुअली थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। कोई बात नहीं, आप प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। वो क्या हुआ, स्टूडेंट के पेरेंट्स मिलने के लिए आने वाले थे ना, तो हमें लगा आप वही सेम है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। कुछ लेंगे आप चाय कॉफी? नहीं नहीं थैंक यू, एनी वन सेकंड, सॉरी हां, इट्स ओके। क्या आप, पहले पूछना तो चाहिए था कौन है, क्या नाम है, डायरेक्ट ट्यूशन की बात छेड़ दी। तो माला कसा करणार, मैं थोड़ी देर पहले विभाजी का फोन आया था कि मैं मिलने आने वाली हूँ, मुझे लगा वो विभाजी होगी, मुझे थोड़ी पता था कि वो कुरियर वाली होंगी। जी कुरियर में क्या है वो तो देखिए पहले। हाँ ये वो इंश्योरेंस पॉलिसी की रिसिप्ट आई हुई है, जरा माया टी मस्त है, गर्मा गर्म चाय घेऊन ये ना, मैं तब तक ये चेक का काम निपटा देता हूँ। आंटी तैयार से। आती भाई का आ गया छे, मेहता जी का ही है, सोडी का भी है, चंदी रमनी का भी है, शर्मा जी का है, खैर जी का है, इगर का भी है। ये चंदी रमानी सात समुंदर पार रहता है, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम उसका चेक आ जाता है मेंटेनेंस का, लेकिन जेठालाल जो बाजू के विंग में रहता है फिर भी टाइम टू टाइम चेक कभी नहीं देता। त्रास है उसका त्रास। काजलो कौन दे रहा है त्रास आपको? जेठालाल और कौन? जेठा भाई क्यों त्रास देंगे, क्या हुआ? हमेशा की तरह इस बार भी उसका मेंटेनेंस का चेक नहीं आया है। तो उनको फोन करके बोल दीजिए कि मेंटेनेंस का चेक दे दे, उसमें गुस्सा क्या करने का? अरे गुस्सा तो आएगा ना माधवी, फोन क्यों करूं मैं उसे, क्यों करूं फोन? पर आपको फोन नहीं करना है ना, तो सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से पेनल्टी लगा दीजिए। ये ऐसे डायरेक्ट पेनल्टी नहीं लगा सकते माधवी, मुझे रिमाइंड करना ही पड़ेगा। वाह वाह दया, आज तो ढोकड़ा पापड़ी खांडवी ये सब नाश्ता करा के तूने तो दिन की धमाकेदार शुरुआत कर दी, जलसा करा दिया। थैंक यू पापा। चलो भी चाय तो ना, कब से चाय की मीठी मीठी खुशबू आ रही है, लेकिन चाय है कहाँ? रुकिए रुकिए जरा, देख थाम के बैठिए जनाब, आपके लिए नवाबी रजवाड़ी चाय अभी लाई। नवाबी रजवाड़ी चाय? अरे ऐसे क्या खास बात है आज की चाय में? तो मेहरबान कदरदान गड़ा खानदान के खान पान का चश्म चिराग सहनशाह के लिए हाजिर है स्पेशल चाय। ओहो क्या बात है, दे आज अचानक किटली में चाय? वो क्या है, कल मैं किचन की साफ सफाई कर रही थी तो ये किटली का सेट हाथ में लग गया। ये किटली का सेट माने मुझे गिफ्ट दिया था मेरी पहली शादी में। पहली शादी में? मतलब माने मुझे शादी में सबसे पहला गिफ्ट ये दिया था। तो ऐसा बोल, अभी ढोकड़ा खांडवी पापड़े सब बाहर आ रहे थे, यहाँ तक तो पहुँच भी गए थे। सॉरी, तो माने बढ़िया गिफ्ट दिया ना? मानना पड़ेगा, सासू माँ ने बहुत बढ़िया गिफ्ट दी है। अरे आपके सासू माँ है ही इतना बढ़िया, तो गिफ्ट भी बढ़िया ही देंगे ना। हाँ भाई, सालों पहले ये गिफ्ट भी बहुत बढ़िया दे दी मुझे। थैंक यू। चल चलो भी चाय दे ना, ठंडी हो जाएगी। जी नवाब साहब, ये रहा चाय का गर्मा गर्म बन, अब ये रहा दूध। आप कितना दूध लेंगे? ज्यादा नहीं, क्या चाय जरा कड़क होता मजा आता है। अच्छा तो इतना इतना बराबर है? थोड़ा थोड़ा और, बस बस बस। अब आप शक्कर के कितने चौसले लेंगे? शक्कर के चौसले? जी, ये किटली वाली चाय में ऐसे शक्कर के चौसले होते हैं, तो बताइए कितने चौसले लेंगे आप? ओहो, आज तो फुल तैयारी में आई है बाकी। हाँ तो हाँ, बताइए ना कितने चौसले डालूं?
डाल। सात आठ डालू? ये भाई क्या सात आठ, फिर ये चाय नहीं चाशनी हो जाएगी। सॉरी। दो दो डाल दो। ठीक है जनाब। ये एक और ये दो। अब इसे हिलाया। अरे हाँ। तो ये तैयार है आपकी नवाबी रजवाड़ी किट्ठी वाली गर्मा गर्म चाय। वाह वाह वाह, कप और रका भी एकदम रजवाड़ी है। आप शांति से बैठिए जनाब, हम फोन लेते हैं। वाह, सहसा गड़ा के दरबार में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं? ये जेठालाल गड़ा का ही घर है ना, मैं भिड़े बोल रहा हूँ। बोलिए भिड़े भाई। अच्छा जेठालाल है घर पे कि दुकान के लिए निकल गया? नहीं नहीं, घर पे ही है, चाय पी रहे हैं। आप भी आइए मैं चाय पीने के लिए। नहीं नहीं, मैंने अभी चाय पी। क्या मैं जेठालाल से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बात कर सकते हैं। एक मिनट। सेंसा आलम, आपके लिए गोकुल धाम सोसाइटी के सेनापति भिड़े जी का फोन। साला। हाँ भाई भिड़े आ रहा है भाई चाय पीने। आजा आजा, इधर रजवाड़ी चाय बनी है। जेठालाल मैंने चाय पी ली है। अच्छा, ये बताने के लिए फोन किया? चलो बढ़िया, अच्छा हुआ तुमने चाय पी ली, मजा आया। जेठालाल मैंने चाय पी ली है, ये बताने के लिए फोन नहीं किया है। अरे भाई तो किस लिए फोन किया है, बोलने भाई। क्या सुबह सुबह टाइम पास कर रहा है? टाइम पास मी करता है? हाँ तो तू बता नहीं रहा है भाई किस लिए फोन किया है, बताना भाई। सुबह सुबह बहुत काम होता है भाई। तो जेठालाल मैं भी यहाँ पे फ्री नहीं बैठा हूँ, सुबह सुबह मुझे भी 1760 काम होते है। बच्चों की ट्यूशन, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की एग्जाम, फिर अचरापड़ की डिलीवरी, और ऊपर से सोसाइटी का काम, जिसके लिए मैं पगार नहीं लेता हूँ, फ्री में करता हूँ। अरे भाई तो तू करना अपने काम, मैंने कहा तुझे फोन किया, तूने मुझे फोन किया है। जेठालाल तू तो भाई किटली की तरह गर्म हो गया। बोल बोल भाई बोल, किस लिए फोन किया है? मैंने ये बताने के लिए फोन किया है जेठालाल कि हमेशा की तरह इस बार भी आपका मेंटेनेंस का चेक नहीं आया है, तो कृपा करके आज दे दीजिए, क्योंकि आज लास्ट डे है। अगर आज नहीं भरोगे तो लेट फी लगेगी। अरे भाई लेट फी क्यों लगेगी, मैं कब का चेक दे चुका हूँ। किसे दिया है? अरे किसे क्या, तुम्हें जरा चेक कर। जेठालाल मैंने सब चेक कर लिया है, सारे चेक मेरे हाथ में है, सिर्फ तुम्हारा ही चेक नहीं है, तुम चेक करो। अरे दया इस बार मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया। मुझे नहीं पता, जरा चेक कर। अरे तुम मुझे क्यों बार बार बोल रहे हो चेक करने के लिए, तुम चेक करो ना। अरे भाई जरा शांति रख, तुमको नहीं बोल रहा हूँ, दया को कह रहा हूँ, शांति रख जरा। हाँ तो जेठालाल मुझे कैसे पता चलेगा भाई, हम लोग वीडियो कॉल नहीं कर रहे, फोन में कैमरा नहीं लगा हुआ है मेरे, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम दया भाभी से बात कर रहे हो। हो हो शिक्षक महोदय जरा शांतता ठेवा, आमचे भाई को चेक करायला गेले आहे, ते जे मला सांगतील ते तुम्हाला सांगतो, जरा आयुष्यात शांतता ठेवा। टप्पू के पापा ये सोसाइटी का चेक तो ड्रॉअर में था। अरे मैंने टप्पू को बोला था भिड़े को चेक देने के लिए। अरे सॉरी भाई भिड़े, वो मैंने चेक तो कब का बना दिया था, और टप्पू को मैंने बोला भी था कि तू भिड़े अंकल को जाके चेक दे देना, लगता है वो भूल गया है। जेठालाल एक तो खुद चेक घर में ठीक से चेक करते नहीं हो, मैं याद दिलाता तो मुझ पे ही गुस्सा करते हो। अरे भाई तू वसूली कर रहा हो, ऐसा चेक मांगेगा तो थोड़ा गुस्सा तो आएगा ना। वसूली? अरे क्या गुंडे वाटलो का ही मी? मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ जेठालाल, और मैं अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। मैं तुमसे कोई बैंस का चेक नहीं मांग रहा हूँ, मेंटेनेंस का चेक मांग रहा हूँ। हाँ भाई हाँ ठीक है, शांति शांति शांति। एक काम कर, अभी आजा इधर घर पे, मस्त आधा आधा कप रजवाड़ी चाय पीते, और फिर मैं तुझे चेक भी दे देता हूँ। आजा चल। मुझे चाय नहीं पीनी है जेठालाल, और मैं तुम्हारे घर पे चेक लेने के लिए क्यों आऊँ? ठीक है तो मैं अभी दुकान जाने के लिए नीचे उतरूंगा ना, तो तू भी नीचे आ जाना, मैं तुम्हें चेक दे दूंगा। जेठालाल मैं तुम्हारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने वाला नट्टू काका बाघा या मगन नहीं हूँ, तो तुम मुझे कहीं भी बुलाओगे चेक लेने के लिए और मैं आ जाऊंगा। अरे भाई सुविचार लिखने के लिए अभी तुम नीचे उतरोगे ही ना। जेठालाल मैंने आज का सुविचार लिख दिया है, इसलिए मैं नीचे नहीं आने वाला, तुम मेरे घर पे आके चेक देके जाओ। तो मैं भी तुम्हारे घर पे चेक देने नहीं आऊंगा। क्या मतलब? मतलब साफ है, सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक यानी सोसाइटी का मैटर है, तो वो चेक देने के लिए मैं तुम्हारे घर पे क्यों आऊँ? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, मैं हर एक के घर पे जा जाके चेक मांगू कि भाई मेंटेनेंस का चेक दे दो, मेंटेनेंस का चेक दे दो? ऐसा मैंने कब कहा? देखो कायदे से सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक सोसाइटी की ऑफिस में जमा करने का होता है, तो तू सोसाइटी के ऑफिस में आ जा, मैं तुझे वहाँ चेक दे देता हूँ। अच्छा तो कायदे के हिसाब से सोसाइटी के ऑफिस का टाइमिंग शाम को 6 से 7:30 के बीच का है, और एक मेंबर के लिए मैं सोसाइटी का कायदा नहीं तोड़ सकता, मैं सुबह ऑफिस नहीं खोल सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे घर पे आओ और चेक देकर जाओ।
अरे भाई अभी तू सब चेक जमा करने के लिए बैंक में जाएगा ना, तो उसके लिए नीचे तो उतरेगा ही ना, ऊपर ही ऊपर उड़ के थोड़ी जाएगा, तो तभी कंपाउंड में मिल के ले लेना भाई चेक। जेठालाल मैं चेक जमा करने के लिए बैंक में अभी नहीं जाने वाला, मैं बाकी सारे काम निपटा के दोपहर के बाद जाऊंगा, इसलिए मेरे घर पे आके चेक देकर जाओ। क्या भिड़े तू, एक माला उतरने में क्या इतना आलस कर रहा है? मैं आलस कर रहा हूँ? और एक माला चढ़ने के लिए तू आलस नहीं कर रहे? अरे मैं आलस नहीं कर रहा हूँ भाई, जरा समझ। देख मैं अपने घर से एक माला नीचे उतरूंगा, फिर तुम्हारे घर पे एक माला चढ़ूंगा, फिर तुम्हें चेक देने के बाद वापस एक माला उतरूंगा, तो तीन बार उतर चढ़ हो जाएगी ना। टप्पू के पापा, मैं भिड़े भाई के घर जाकर चेक दे दूंगी, आप दुकान जाइए ना। तो शांति रख ना, मजाक कर रहा हूँ। जेठालाल तुम सुबह सुबह मजाक कर रहे हो मेरे साथ? क्या मैं सोसाइटी का काम लेके बैठा हूँ, अकाउंट का टेंशन हो रहा है मुझे, और तुम मजाक कर रहे हो? अरे भाओ टेंशन नका घेओ, नहीं तो उरलेले केस पण जातील। शांतता ठेवा, आजा। अरे मैं आता हूँ तुम्हारे घर पे चेक देने के लिए, ठीक है? हाँ हाँ जल्दी आ जाओ भाई। प्रत्येक सोसायटीत असा एक मेंबर असतोच। देवा आयुष्यात कशी कशी माणसं भेटतात, कठीण आहे खरंच। क्या अकेले बडबड कर रहे हो आप? जेठा भाई को फोन किया कि नहीं किया? हाँ अभी उसी से बात की, बिना वजह मुझसे बहस कर रहा था। मतलब फिर से आप में कोई कहासुनी हो गई? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको चेक मांगने के लिए फोन किया, पता है उसने क्या बोला? क्या? घर पे आके चेक लेके जाओ। तो अभी आप चेक लेने जा रहे हैं या नहीं? मैं क्यों जाऊँ चेक लेने के लिए माधवी, मैं क्यों जाऊँ? एक तो उसको हर महीने चेक के लिए याद दिलाऊं, ऊपर से घर पे भी जाऊं चेक लेने के लिए। अरे मैं उसकी दुकान में काम करने वाला नटू काका बागा या मगन हूँ क्या, या उसका कोई सप्लायर हूँ जो जहाँ बुलाए वहाँ पे चेक लेने के लिए चला जाऊं? मैंने साफ मना कर दिया। तो अभी जेठा भाई चेक देने वाले हैं या नहीं देने वाले? बिल्कुल दे रहा है, क्यों नहीं देगा, अभी आ रहा है चेक देने के लिए। अरे आ रहा है क्या भाई, आ गया। नमस्ते माधवी, आइए आइए। ये ले भाई तेरा चेक। तेरा चेक? ये मेरा चेक नहीं है भाई, ये तुम्हारा ही चेक है। तो वापस ले लो। क्या भीड़ है, और अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में क्या तेरा क्या मेरा, सब अपना है दोस्त। वापर वापर बिंदास। वापर? ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे हमें घर खर्चे के लिए पैसा दे रहा हूँ। भाई साहब ये चेक मेरे पर्सनल अकाउंट में नहीं जाने वाला, सोसाइटी के अकाउंट में जाने वाला। तुझे जो अकाउंट में डालने है डाल भाई, मैंने तुझे चेक दे दिया, माधवी भाभी आप साक्षी है। हाँ अभी दोबारा मुझे फोन मत करना कि चेक नहीं मिला। चेक मिलने के बाद मैं फोन क्यों करूंगा जेठालाल? अरे भाई तू बहुत बिजी आदमी है ना, तीन तीन काम एक साथ में संभालता है, ट्यूशन का, अचार पापड़ की डिलीवरी का, फिर सोसाइटी का, इसलिए बोल रहा हूँ कि काम में भूल मत जाना कि भाई मैंने तुझे चेक दे दिया है। भूल मैं नहीं जाता हूँ जेठालाल, भूल तुम जाते हो, और वो भी हर महीने। ठीक है बाबा, चुकी जाली, सॉरी। अभी तो मैंने चेक दे दिया, अभी तो खुश हो भाई, और चेक भी मैंने तेरे घर पे आके तेरे हाथों हाथ दिया भाई, खुश हो, जरा खुश हो। खुश होने की बात ही नहीं है जेठालाल, ये तो रूल्स और रेगुलेशन की बात है। ये पण काय कमी नहीं है, आहो जाऊ द्या ना। अरे काय जाऊ द्या माधवी, रूल्स तो माहिती पाहिजे ना मेंबर्स ना। देखो जेठालाल, जैसे अपने घर में नहीं लाइट का, गैस का, टेलीफोन का बिल होता है जिसकी एक ड्यू डेट होती है, उस ड्यू डेट के पहले ही बिल भरना होता है, वैसे ही सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक देने की भी एक ड्यू डेट होती है, उस ड्यू डेट के पहले ही मेंटेनेंस का चेक देना होता है, सोसाइटी का कायदा यही कहता है। माधवी भाभी वैसे आज नाश्ते में आपने भिड़े को क्या खिलाया? कांदे पोहे। कांदे पोहे की कायदे पोहे? एक पुरानी कहावत है कि बर्तन साथ में रहेंगे तो टकराएंगे, आपस में खड़काएंगे, और परिवार के सदस्य भी बिल्कुल बर्तनों की तरह रहते हैं, छोटी मोटी टकराहट आपस में बनी रहती है और परिवार के मुखिया को उन्हें संभाल के रखना पड़ता है। अब हमारा गोकुलधाम सोसाइटी भी समझ लीजिए एक परिवार है भाई, अलग अलग परिवारों से मिल के बना एक परिवार गोकुलधाम सोसाइटी, जिसमें अलग अलग घर है, और इसके मुखिया की तरह है बिल्कुल हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े, जो इस सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी। अब उनका कर्तव्य भी है और वो उस कर्तव्य का पालन भी करते हैं कि सभी एक साथ रहे। वैसे सेक्रेटरी के कई कर्तव्य होते हैं, कई काम करने होते हैं उसे, भाई सोसाइटी का बिजली का बिल जमा कराना, सोसाइटी के पानी का बिल जमा कराना, पेटी कैश संभालना, प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना। लेकिन ये सब ऐसे ही तो नहीं होता, इसके लिए जरूरी है कि सारे सदस्य मेंटेनेंस का भुगतान बिल्कुल समय पे करें, और सेक्रेटरी बिल्कुल मजबूत होना चाहिए जो मेंटेनेंस समय पे ले ले। और इसी मेंटेनेंस की वजह से अब हंगामा शुरू हो गया है, क्योंकि भिड़े और जेठालाल के बीच में तू तू मैं शुरू हो गई। लेकिन आपको क्या लगता है
ये तू-तू मैं यहीं तक सीमित रहेगी? नहीं साहब, इस सोसाइटी में तो एक एक सदस्य तुर्रम खान है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि पोपटलाल ने भी अपना मेंटेनेंस बिल अभी तक दिया नहीं है, जमा नहीं कराया, और इतनी आसानी से वो देने वाला भी नहीं है। तो अब क्या होगा? तो सोमवार को देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड। और हाँ, मंगलवार को हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का विशेष एपिसोड, 1 आवर स्पेशल, 1 घंटे का एपिसोड मंगलवार को। देखते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।